जय हिंद दोस्तों, ये अमृतसर है, जोली डेयरी, अंकुश जी हैं जो इसका संचालन करते हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। गाय इन्होंने अपनी सेल की हैं, पीछे हमारे खड़ी हुई है, जानते हैं हम इसके बारे में कि कहाँ भेजी है, कितना किराया है और क्या इनका रख रखाव है और क्या इनका कल्चर है। को नमस्कार भाई, मास्क लगा लिया को सर? थोड़ी लोगों ने बोला था कि इस बार शक्ल दिखा दो, कुछ डॉक्टर कहते हैं ना कि कोरोना नहीं है लेकिन है। जी सर, जब आ जाता ना फिर कहते हैं हाँ यार था यार, हम तो गलती कर। ठीक है जी, ये गाय जो दिखा रहे हो जी, तो कितनी उम्र की है ये? सर ये 6 दांत है सर, इसके 6 दांत दिखाई सर। जी तो कौन सी ब्यांत की है सर? ये सेकंड लैक्टेशन में अभी भी आएगी। सेकंड में भी आएगी? जी सर। कितना दूध दिया पहले में? सर पहले में इसने 32 दिया, 32 लीटर दूध दिया। पाउडर की जो हमने इसकी बनावट देखी ना जी, तो जैसे कंपटीशन वाली होती है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल वेंस उसकी वैसी थी जी, और बाकी जो इसके खुरों की और ये टांगे सीधी। हाँ जी, हाँ जी, ये सेहतमंद पशु की निशानियाँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कितना दूध देगी नई बार में? सर सेकंड में ये आराम से 36 लीटर दूध देगी सर, निकालेगी जी। वो जिस घर से लेके आए वो बोलते थे कि 40 लीटर देगी, पर मैं 40 पे नहीं बोलता, पर 36 लीटर दूध आराम से देगी। कौन सा टीका लगा हुआ है इसको? सर इसको WWS का सेक्सीमन लगा हुआ है। सेक्सीमन जी। बछड़ी आएगी? बछड़ी आएगी सर, 85% जो कंपनी होती है ना सर। अंकुश में कितने की पड़ जाएगी बछड़ी अगर पालते हैं तो? सर देखिए, अगर तो अच्छा रख रखाव करें उसको, कफ फीड ब्याने तक, ब्याने तक सर वो कम से कम 85-90 की तो पड़ जाती है सर। मतलब लाख तक जा, लाख तक पड़ जाती है सर। लोग वैसे कहते हैं महंगी है महंगी। सर देखिए, पता क्या बात है, जिसको तो ब्रीड के बारे में पता नहीं उसके लिए महंगी ही है, तो जिसको जो ब्रीड के ऊपर वर्क करते हैं ना वो तो सर 1.5-1.5 लाख की भी लेके जाते हैं। उसको पता है कि हमने अपना तबेला आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, तो वो हमेशा ब्रीड पे ही काम करे। तो इसका क्या दाम होगा सर? ये मैंने 90,000 की बेची हुई, 90,000 की बेची की जी सर जी। लोग तो सर ऐसी का 1.5-1.5 लाख की बेच देती है, हमारे वो सस्ती है, हमने सस्ती दे दी। ये तो वो सामने खड़ी हुई है जी, नहीं तो हमने कहना था कि वही घुमा लेते। सर ये बहन है उसकी, उसी की बहन है जी, एक ही घर से आई है सर। ये भी 6 दांत है? ये भी 6 दांत है सर। ये तो लोग इसको फर्स्ट बेहतर बना के बेच देते हैं, फर्स्ट लैक्टेशन की जी। हाइट भी उससे कम है कुछ? हाइट हल्की सी कम है, बाकी सेहत में ज्यादा है, सीधी ज्यादा है जी। तो कितना समय मांग रही है अभी सर? अभी ये इसके 20 दिन रह गए। उसके उसका सर अभी 1.5 महीना बाकी। 1.5 महीना जी। तो ये कितना दूध देगी? ये सर 32-33 लीटर दूध आराम से दे देगी। पहले बेहतर में इसने 28 लीटर दूध दिया, पहले दिया जी। तो क्या दाम होगा इसका? सर ये मैंने 75,000 की बेची है। 75,000 जी। तो इतना फर्क कैसे आ गया दोनों में? सर देखिए, एक तो हाइट उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, ठीक है जी, और जो है दूध में थोड़ा ज़्यादा है और क्वालिटी ज़्यादा है उसकी, मतलब कि थन वगैरह थोड़े बड़े हैं, इसके थोड़े छोटे हैं, इसलिए थोड़ा रेट का फर्क है सर। अच्छा अंकुश जी, पीलिया हो जाता है पशु जी, तो इसके संबंध में बताओगे क्यों हो जाता है? सर पीलिया इसलिए हो जाता है कि गर्मी के कारण भी होता है, कभी कभार सर्द गर्म हो जाती है गायें, कभी कभार लोग क्या बाहर चराते हैं गायों को तो एकदम से ला के तो पानी डाल देते हैं उसके ऊपर, उसके कारण सर्द गर्म हो जाता है, उसका बुखार नहीं टूटता, इसलिए लंबा बुखार जिसको हो जाता है ना वो पीलिया हो जाता है सर। कैसे पता चलता है कि पीलिया हो गया? सर उसकी आंखों में पीलापन आना शुरू हो जाता है सर, नीचे से आंखें नीचे करेंगे ना तो उसके थोड़े पीलेपन उसमें शो होने लग जाता है, खून जो है उसका पतला होने लग जाता है सर। तो क्या इलाज होगा फिर? इलाज यही है सर, मेडिकल इलाज है कि उसको ड्रिप चढ़ानी पड़ती है, NS के अंदर 100 ml पूरा टेरामाइसिन का ऑयल चढ़ाना पड़ता है, बाकी थोड़ा बहुत इनको डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए। और उसको बोलते हैं सर गाठिया ताव हो जाता है मोस्टली। अच्छा। तो गाठिया ताव में क्या होता है कि लोग सस्ता इलाज देखते हैं, पर सस्ते की तरफ कभी भी नहीं चाहिए, उसको सीधा बूटालेक्स सर लगा देना चाहिए, 1800-1900 रुपये का इंजेक्शन आता है, डायरेक्टली उसको बूटालेक्स ही लगाना चाहिए, क्योंकि हम अगर लाख रुपये खर्च रहे गाय के ऊपर, कभी भी 1000-2000-3000 रुपये कभी भी नहीं देखना चाहिए। कितना समय लगता है ठीक होने में? सर वो देखिए, अब ऐसी चीज़ होती है, हमारे को भी पीलिया होता है, धीरे धीरे हम उसको ही कवरिंग करते हैं, तो ये भी थोड़ा धीरे धीरे कवरिंग, नियर अबाउट 10-15 दिन तो लग ही जाते हैं। सर अपने आप वो खाना, अब हम किसी कैसा चारा देते हैं? गायों को ज़्यादा एंटीबायोटिक देते हैं ना सर, तो उसमें क्या होता है कि गायें खाना कम कर देती है ज़्यादा एंटीबायोटिक के कारण, फिर खाना उसको क्या हल्का देना चाहिए, जैसे कि चारा रास्ते में जो जंगली घास लगी होती है ना सर, वो दोगे तो उससे जल्दी कवरिंग होती है। चेंज हो गई है जी सर? कमजोर है सर, ब्रीड ही अलग है ना? अच्छा, ब्रीड अलग है सर, ये ABS की है ये सर। ABS की है जी। तो टीका कौन सा लगा सर? इसको ऑल स्टार का सेक्सीमन लगा हुआ सर। कितने का है वो सर? वो 3500 रुपए का इंजेक्शन आएगा जी। बछिया बछड़ी आएगी सर। तो
कितना समय मांग रही है? सर ये अभी इसका पूरा एक महीना बाकी है और ये दुबली इसलिए क्योंकि इसके नीचे दूध बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट लैक्टेशन में इसने 36 लीटर दूध दिया है। तो अब आपकी बार सर ये कम से कम 40 लीटर दूध देगी। इसकी हाइट पे मत जाओ, इसकी क्वालिटी देखो, क्वालिटी बहुत ज़्यादा है सर। इसके छोटे छोटे कान हैं, हर एक चीज़ है, मतलब जो एक परफेक्ट गाय में चाहिए वो सब परफेक्ट चीज़ें इसके अंदर है सर। खोर तो वो मिलिट्री वाले पहले से सर जैसी गाय वैसे अब वो क्या इसलिए इसका सफ़ेदपन ज़्यादा है इसलिए के जैसे इन्होंने काले किए होते ना हम लोग कर देते हैं काले पॉलिश लगाते हैं जी। पॉलिश लगाई है क्या? नहीं नहीं पॉलिश नहीं लगाई है सर, पॉलिश इतना टाइम ही नहीं है सर। तो क्या दाम है इसका? सर ये 65,000 की बेची है। 65,000 बेची है जी सर। कौन सी प्याज की है? सेकंड की सर। सेकंड की जी। तो इसका भाव इतना कम क्यों हो गया? सर देखिए मेरे को सही रेट में आई है, आगे अब मैं वो गरीब आदमी है, अगर उनसे ही मैं दगा करूंगा तो फिर बहुत दिया हुआ ऊपर वाले ने। 36 तक दूध देगी जी सर, ऊपर वाले बहुत कुछ दिया है, ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है। तो नहीं कि लोगों को भरमाने के लिए कह रहे हो सर? देखिए कम में बेचूंगा तो आ रहे हैं। पता क्या बात है सर, अभी ये बेची हुई है, उन लोगों के नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगा, तो अपने आप और जो लोगों को कोई नहीं डाउट होगा, जब ग्राहक बनाना होता है ना जी, दुकान पे जाओ तो एक चीज इतनी सस्ती दे देता वो, तो फिर दूसरे दो तीन और खरीद लेते हैं, तब उसमें वो खींच देता धर के सर। ऐसा तो नहीं कि पैसा तो ऊपर वाले बहुत दिया है, बस अब नाम बनाना। कितना पड़े हो? मैंने सर ग्रेजुएशन करी है जी सर। छह दांत दिखा रहे जी सर। अंकुश जी, हाँ जी, तुमने देखा ना कि कई जैसे खोर हैं जी काले हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऑर्डर जो है थन ऑर्डर के भी होते हैं, काले होते हैं जी सर। कईयों को ऑर्डर गुलाबी रंग के होते हैं थन, तो क्या इसमें भी कुछ ब्रीड का होता है क्या? सर होता है, बिल्कुल होता है सर ब्रीड का। और क्या होता है, अब ये जो गाय है सर थोड़ी क्रॉस ब्रीड में है, और क्या है कि लोकल घर में से ली हुई है, वो जो आपको सभी गाय दिखाई वो फार्म की गाय थी, ये थोड़ा लोकल में से ली है, तो इसमें फर्क तो होएगा ही सर। तो ये कितना दूध देने वाली है? ये सर ज़्यादा नहीं, 17-18 लीटर दूध दे देगी। कौन सी ब्याज की है? पहले लैक्टेशन में भी आएगी। पहले जी सर। तो ये कौन सी टीके की? ये किसान की लगती है? HF की है सर, क्रॉस में। ये फार्म से किसान से? नहीं सर, किसान की है। किसान की जी सर। वो बता रहे हैं जी। क्या दाम की है सर? 51,000 में बेची हुई है। बेची 51,000 में सर। ये फर्स्ट लैक्टेशन की है और HF की है सर। ये कितने दांत? ये सर अभी 4 दांत की होगी सर। दिखा दो जी। ये कितना दूध देने वाली है? सर ये पहले लैक्टेशन में 28 लीटर दूध देगी सर, 25 प्लस जाएगी। 25 प्लस जाएगी जी सर। क्या दाम की है? सर ये मैंने 62 की दी है। 62। कितना समय ले रही है? अभी एक महीना पूरा लेगी। एक महीना जी सर। बात कर रहे थे हम लोग जी, तन की सुंदरता, मन की सुंदरता। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कहना, देखो आपके पास जो है ना, हाँ जी, हाँ जी, आप वही दूसरों को दोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप कहीं पर कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, हाँ जी, सब्जी वाले पर तो सब्जी ही मिलेगी जी सर, फल वाले पर फल ही मिलेगा। बिल्कुल सर। अगर मीट वाले पर जाए तो वहाँ मीट ही मिलेगा। बिल्कुल। तो जिस इंसान के अंदर जो भरा हुआ है जी, वही वो दूसरे को देगा। बिल्कुल सर। अगर गालियां दिए तो गालियां, अगर माँ बाप ने गोदी में बैठ के गाली देनी सिखाई है ना जी, तो वो आगे जाके गालियां निकाले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमने यही भी देखा है, बहुत से लोग काम धाम तो कुछ करते नहीं जी, वो कमेंट्स में गालियां बकते हैं खाली बस। सर वो फ्री बैठे हुए, उनके पास कोई काम नहीं तो यही काम करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है ना सर। अगर आपको किसी ने, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे आपके पास नॉलेज है उसको बांटना चाहिए सर, कि आपको भगवान ने अगर किसी चीज़ की बख्श दी है ना, उसको जितना बांटोगे उतना ही वो बढ़ेगी चीज़। अब मेरे पास सर कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि मेरी गाय को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आपकी वीडियोस देख के डायरेक्ट मेरे को फ़ोन करते हैं, पर आज तक मैंने कभी किसी का फ़ोन काटा नहीं है, फिर भी उस चीज़ों के सवालों के जवाब दिए मैंने जी। वो जो मेरे पास गया ना, वो मैं उनसे शेयर करता हूँ सर, कि हम ऊपर वाले का शुक्र मनाना चाहिए कि आपके पास कोई चीज़ नॉलेज है ना, उसको आप शेयर कर रहे हो, तो चीज़ का शुक्र मनाना चाहिए। आपकी वीडियो मैंने पहली बार डाली जी, तो लोगों ने कहा भाई क्या बम बरसा दिया तो हमने कहा भी देखो तारीफ मत करो जी, ऐसा सवाल करो हाँ जी जिससे आगे वाले को ज्ञान मिले। बिल्कुल बिल्कुल सर, तारीफ तो सभी कर देते हैं, सही बात है, लेकिन तुम्हारी तारीफ हम उसी में मान लेंगे, तुम कोई अच्छा सा सवाल कर दो, कोई बीमारी का कर दो, ताकि आगे किसी को ज्ञान मिले। हाँ जी, हाँ जी सर। अंकुश जी, हाँ जी, अब ये तुम अलग चीज दिखा रहे हो जी, क्या कहेंगे इसको? HF में क्रॉस में ही? सर ये ABS में क्रॉस की है उन्होंने। ABS में? जी सर, PDFA का वो थोड़ा टेस्टिंग चल रही थी उनके फार्म में, तो उनके जो ओनर है सारे USA में रहते हैं, तो बस उसी चीज़ का रिजल्ट है, मतलब कि वो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, वो एक कमेंट्स आया कहते कि जैसे आप ब्रीड में ब्रीड का वो नहीं दे सकते हैं जी, क्या नुकसान होता है? सर ऐसा कुछ नहीं होता, कई लोग देते भी है, नुकसान तो कोई भी नहीं होता, ना ही हमने कभी सुना है।
ठीक है ना सर। बाकी कईयों ने देखा होगा उनको नहीं रिजल्ट मिला, जिनको रिजल्ट मिला है वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं। जी तो ये कितना दूध देने वाली है सर? इसने फर्स्ट लैक्टेशन में सर 28 लीटर दूध दिया, पूरा रिकॉर्ड है इसका हमारे पास, और ये कब भी आएगी उसका भी पूरा रिकॉर्ड है। फार्म की है? जी सर फार्म की है, पूरा उनके पास इसका पूरा बायोडाटा है सर। ये तो गाय बहुत कम मिलती है सर, ये फार्म में मिलेगी आपको, मिलेगी मतलब के रखना तो मैं अपने घर पे चाहता था क्योंकि ऐसी गाय बहुत कम मिलती है, पर वो क्या है मेरे पीछे ही पड़ गए कि लेनी है तो फिर क्या है, अगर किसी चीज़ का मूल लग जाना तो वो रखनी नहीं चाहिए। ये सर 75,000 की दी है, 75,000 की। हम लोग कहते हैं ना कि जो पहले हम तुमसे कह रहे थे, हाँ जी देखो भी काले हैं, हाँ जी उसके थन भी काले हैं जी सर, और मुंह देखो आधा सफेद आधा काला है सर, बहुत ये बहुत कम मिलती है ये चीजें। तो ये सेक्सीमन में है? सेक्सीमन लगा सर, सेक्सीमन। हाँ जी ऑल स्टार के लगा। सारी बछड़ी ही देगी? सब बछड़ी सर, फार्म चलता ही तो अब अगर बछड़ी होगी। अच्छा अंकुल वो ये कहते हैं ना कि सेक्सीमन जो है कौन सी को नहीं लगना चाहिए, क्या होता है सर? देखिए जैसे सेक्सीमन होता है जो हल्की गाय होती है ना, दुबली पतली होगी, उसमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो गाय जो बच्चा पैदा होता है ना सर, वो बच्चा पहले दिन ही 45 से 50 किलो का होता है। जो छोटी गाय दुबली गाय होती है ना सर, वो झेल नहीं पाती जब बच्चा पैदा करती है, तो तब उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो उसके सर्वाइव होने के चांसेस बहुत कम हो रहते हैं। जी वो बच्चा उसको ले बैठेगा। तो कितना समय बताया इसका? इसका सर 1.5 महीना बाकी है। अच्छा, कितना भाड़ा लगा है, कहाँ जहाँ जा रहा है सर? ये जा रही है खेड़ ब्रह्मा वडाली में जा रही है, और इसका भाड़ा स्टेट में गुजरात सर। अच्छा, और 42,000 रुपये इसका भाड़ा लगा सर। जी कितना समय लगेगा सर? 3 दिन में पहुंच जाएगी। 3 दिन में? जी सर। कितने स्टॉप पे देंगे? 2 स्टॉप देंगे सर। 2 या 3? 2 सर, एक बीकानेर में और दूसरा सिरोही में। तो यहाँ से तुम सीधे बीकानेर में जाते? बीकानेर या लुधियाना होके? नहीं नहीं यहाँ से गंगानगर होके सर, सीधे अमृतसर से गंगानगर जाते? गंगानगर जाते सर। अंकुश जी, हाँ जी, फार्मर की है, किसान की? हाँ जी, हाँ जी सर, किसान की है जी। तो ये कितना दूध देने सर? अभी ब्याई हुई है। क्या दिया सर? बछड़ा दिया सर। ये हो गया आज 6वां दिन है इसका। जी कितना सर दूध दे रही? सर अभी 18 लीटर दूध है निकाल रही है। जी तो, और पहले लैक्टेशन की है सर? पहले की है, पहले लैक्टेशन लगती थी, चौथे? नहीं नहीं सर, कितने पहले दांत है? ये सर 6 दांत की है। अच्छा। और पहले लैक्टेशन की है। कई गाय क्या होते हैं कि लेट मतलब कि हीट में आती है, क्योंकि क्रॉस ब्रीड है ना, क्रॉस ब्रीड हमेशा मतलब कि 4 दांत 6 दांत के हो के फिर हीट पे आती है, तो फिर जाके ये ठहरती है सर। कितने दाम की है सर? ये 42,000 42,000 की। 42,000? जी सर। 18 लीटर? जी सर। मतलब वाजिब रेट लगा सर। देखिए यहाँ पे हमारे भाव से गाय है, तो भाव से देते जा रहे हैं। अच्छा अंकुश, ऐसा है कि जी अब जब तुमसे डिमांड आती है, हाँ जी, हाँ जी, जब तुमको जरूरत होती है तो खरीदने के लिए कहाँ कहाँ जाते हो सर? देखिए फोन आने की देरी होती है, चाहे मैं तो गंगानगर से भी जाके ले आता हूँ सर। अच्छा, व्यापारी जो है, कई लोग क्या कहते हैं कि उनकी डिमांड होती है हमारे क्रॉस ब्रीड में चाहिए। हाँ। तो क्रॉस ब्रीड के मेरा जैसे आपको बताया था पहली वीडियो में भी, मेरा खुद का ही फार्म है वहाँ पे गंगानगर में। हाँ। तो वहाँ से क्रॉस ब्रीड मिल जाती है, तो वो कईयों की रिक्वायरमेंट होती है कि गंगानगर से ही लेनी है, तो फिर गंगानगर से भी दिला देते हैं। अच्छा। जी जैसे ज़्यादा गर्मी आ जाती है। हाँ। तब क्या ज़्यादा हीट में तो गंगानगर की उस टाइम लोग कहते हैं हमारे दूध कम है, तो गंगानगर से उनको परचेज करा देते हैं गायों की। बढ़िया तालमेल कहाँ के व्यापारियों से बैठता है सर? तालमेल तो देखिए सर फार्म से ही बैठता है, शुरू से बचपन से हर किसी का साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, तो कभी रेट में आना तानी में हमारे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती सर। नहीं आती? जी सर। जल्दी निपट जाता है क्योंकि फार्म में आपको तभी अलाउ करेंगे अगर आपका उनके साथ रिलेशन है, आउटसाइडर को कभी अलाउ नहीं करते सर। सर छोटा मोटा व्यापारी का वहाँ पे काम ही नहीं है कोई। तो ये थी अंकुश भाई की जो गुजरात के लिए भेजी है इन्होंने गाय। तो भरत भाई हैं, विष्णु भाई हैं जी, और हसमुख भाई जी हैं, और हमेशा हंसते रहें, ये गाय उनके पास पहुँचें और उनके लिए लाभकारी सिद्ध हों, उनका घर फूले फले और वो हमेशा खुश रहें। हसमुख हैं तो हंसते रहें और हंसाते रहें। जय हिंद।